हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ अपनी कटलेट की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे बनाए हुए सबको बहुत पसंद है। तो चलिए आज मैं कटलेट बनाना सिखाती हूँ आपको। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये ब्रेड्स, फ्रेश ब्रेड है ये। हमें चाहिए ये आलू, 6 से 7 आलू ले लिए हैं मैंने। हरी मिर्च, धनिया, सौंफ, फिर मूंगफली। ये कोटिंग के लिए हम लोग सूजी ले लेंगे, टेस्ट के लिए नमक। तो चलिए मैं आपको प्रिपरेशन बताती हूँ। जो ब्रेड्स हैं इनको मैं इस तरह से पानी में गलाकर और तुरंत ही इस तरह से निकाल लूंगी, इस तरह इसका पानी निकाल कर। अब मैं ये पोटैटोस को मैश कर लूंगी, इस तरह से मैं ये मैश कर लूंगी पोटैटोस। ये इस तरह से आलू मैश हो गए हैं। सारी चीजें इसमें मिला दूंगी, हरी मिर्च, हरी धनिया, सौंफ और ये नमक, मूंगफली। इनको मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह का डो तैयार हो गया है। हमने सारी चीजें इसमें मिक्स कर दी हैं और एक डो बना लेंगे। इस मिक्सचर के इस तरीके से या तो आप गोल या फिर लंबे किसी भी तरीके के शेप के ये रोल्स बना लेंगे और इस सूजी में इस तरह से इसको कवर कर लेंगे हल्का सा। इसी तरह से हम सारे कटलेट्स तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में तेल डालकर इसको गर्म कर लूंगी। हम इसमें को डीप फ्राई करेंगे। ये तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब हाई फ्लेम पर हम लोग ये कटलेट डालेंगे। जैसे ही हल्के ब्राउन होने लग जाएंगे ये मीडियम फ्लेम पे करके और इनको हम पलट देंगे। इस तरीके से हम इनको पलटते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये ब्राउन होने तक हमने इनको अच्छे से डीप फ्राई किया है। ये तैयार हो गए हैं हमारे गर्मा गर्म कटलेट। सॉस या चटनी के साथ इनको परोसिए और तारीफें पाइए।